कोरोना के इस संकट की घड़ी में आकस्मिक राशि की बचत भी बहुत जरूरी हो गई है। शासकीय रेल पुलिस द्वारा अब तक जिला प्रशासन, रेड क्रॉस, सेंट्रल जेल व निजी तौर पर मास्क खरीदकर कर्मियों की जरूरत को पूरा किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों ने अब खुद मास्क बनाने का निर्णय लेते हुए इसका निर्माण भी शुरू कर दिया है। महिला कर्मचारियों और उनके परिजनों ने मिलकर जीआरबी लाइन में स्थित महिला कल्याण सेंटर में मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को खुद पुलिस अधीक्षक रेल सुनील कुमार जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल प्रतिमा पटेल ने इस कार्य का निरीक्षण किया। एसआरपी ने मास्क निर्माण में लगी सभी महिला जीआरपी कर्मियों को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं। बाथरूम बाथरूम का प्रॉब्लम ना हो, है ना जी? चाय भी पिला दी है ना, पानी का भी सब। इस अवसर पर एसपी रेल सुनील कुमार जैन ने कहा कि अब तक हम विभिन्न माध्यमों से मास्क और सैनिटाइजर की खरीदी करते थे, लेकिन अब कर्मचारियों के लिए खुद मास्क बना रहे हैं, जिसकी लागत भी कम आ रही है। जल्द ही कच्चा माल खरीद कर सैनिटाइजर भी खुद बनाएंगे, इससे विभागीय राशि की भी बचत होगी। बाय इट व्यू अगेन। गौरतलब है कि कोरोना वायरस जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते बाजार में भी कोरोना वायरस की कमी देखी जा रही है। वहीं जीआरपी और उनके परिजनों ने संकट की घड़ी में जो देशभक्ति का जज्बा दिखाया है, उसे हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी व्यवस्था के कारण ही अपने जबलपुर में बढ़ नहीं पा रहा है कोरोना। इसीलिए हमने, हमारे एसआरपी महोदय ने और एडिशनल एसपी महोदय ने विचार किया कि मास्क तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद यूजलेस हो जाते हैं। तो हम महिला कर्मचारियों ने, अधिकारी कर्मचारियों ने जीआरपी में, एनजीओ में मशीनें रखकर और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। जब मास्क तैयार हो जाएंगे तो पूरी क्वार्टर्स में पुलिस परिवार को ये वितरित किए जाएंगे और बनते जा रहे हैं, वितरण भी किए जा रहे हैं। जीआरपी पुलिस लाइन के अंतर्गत ये मास्क बनाने का काम चल रहा है। ये सभी लोग पुलिस परिवार के हैं, या तो स्वयं कर्मचारी हैं या उनके परिवार की महिलाएं हैं, उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और जब ये बन के इकट्ठे हो जाएंगे तो पुलिस लाइन के कर्मचारियों को और उनके परिवार के मेंबर्स को उपयोग करने में सहूलियत प्रदान करेंगे। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।